इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आवास योजना की पोल खोलती कच्चे मकान, क्या सिर्फ पहुंच वालों को ही मिलता है आवास योजना का लाभ? जो देखने से ही लगता है पात्र नहीं दिया गया उनको योजना का लाभ, तो क्या कागजों पर ही बढ़ रहे हैं आवास योजना के आंकड़े? क्या पता कब खुलेगी शासन प्रशासन की आंख और कब मिलेगा पात्र हितग्राहियों को लाभ, और न जाने कब होगी पात्र अपात्र सत्य असत्य की जांच, और न जाने कब मिलेगा पात्र हितग्राहियों को लाभ। वैसे ही योजना का पैसा 2016 वाला मिल रहा है, और 2016 के मुकाबले 2022 में हर सामग्री पर महंगाई 2 से 2.5 गुना अधिक बढ़ गई है, और पैसा 2016 वाला फिर 10,000 दलालों को देंगे तो आवास कैसे बना पाएंगे, सोचने का विषय है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होना अति आवश्यक है। डिस्ट्रिक्ट खोटे आई ना, उसके राज में उनसे सबसे ज्यादा हजार रुपये लिए होते हैं। आपसे भी पूछो, बताओगे क्या नाम है? मेरा नाम सलीम। क्या समस्या आपकी? कुटीर की क्या समस्या है? कुटीर क्या समस्या है? कुटीर की समस्या ये सर कि कुटीर का नाम तो हमारा आ रहा है, बहुत समय से आ रहा है, लेकिन नहीं दे रहे हैं, बोलते नहीं। और पैसे मांगे थे तो हमारे पास जुगाड़ नहीं था, पहले से 10,000 होते तो कहाँ से लाके थे। कितने पैसे मांगे? 10,000 मांगे थे। किसने मांगे सर? वो ये तो एक दो तीन जोड़े हैं, तो आप किसका नाम मेन बताएं? कौन है? एक बहुत बड़ा सरपंच जो अभी साफ हो गए, एक किसी साहब है उनका नाम नहीं मुझे याद। मंत्री नहीं मांगे क्या? नहीं, मंत्री तो सिग्नल देने वाला है कि आप उनसे मिल लो, उनसे मिल लो। अच्छा, वो डायरेक्ट ये बताते हैं कितने पैसे मांग करते हैं? 10 की मांग करी थी सर। अच्छा, 10,000। और मेरे करी में वो थे, क्या नाम, सोलंकी जी, उन्होंने भी वहाँ यही बोला था। अच्छा, तो अभी आप कच्चे मकान में रह रहे हैं? हाँ जी, मकान कच्चे ही बोला। अच्छा, खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़।